पापा की उम्र के होते हैं अंकल लोग, उनकी सबसे फेवरेट कार वैगन आर है ना। कहीं पे भी जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, भर लो सब सामान, भर लो पूरे परिवार भर लो, ये गाड़ी बुरा नहीं मानेगी। और टिकट मजाक उड़ाने से बचना है आपको तो ऐसा है मेरा, 50,000 रुपये और डाल के ना स्विफ्ट ले लो चुपचाप, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ये पीछे में अगर आप आते हैं ये मिलता है स्कॉर्पियो N, मतलब हर काम बड़ा बड़ा, हेडलाइट ये इतना बड़ा हेडलाइट, ये टेल लैंप ये इतनी बड़ी टेल लैंप। वैगन आर में तो हमेशा से ये बड़े बड़े हेडलाइट आती रहती है। हमारा बिल्कुल छोटू सा है, छोटू से मतलब दो उंगली से ऐसे खोल लो, मतलब लेगरूम के स्पेस की कोई कमी नहीं है। कहीं भी जाना हो, शादी भी हमें पिकनिक में, सबको भर लो, सबको, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी सबको भर लो, कोई ये गाड़ी बुरा नहीं मानेगी, ठीक है। जैसे आप स्विफ्ट है, स्विफ्ट के कंपेयर में i20 बलेनो और वो टाटा की ऑल्टोस क्या को सब क्या क्या आ जाती है। वेयरएज वैगन आर एक गाड़ी है जिसका आज तक कोई कंपनी ने इस गाड़ी का कॉम्पिटिटर नहीं बनाया, इसका मतलब कोई कम्पीट करता भी नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है भाई, इसको तो आप ना ही देखो, मतलब बंदा अगर 6-7 लाख रुपए आप खर्चा करेगा और इसको ये ऑल्टो पे जैसी MID मिलेगी ना, तो मतलब वर्थ नहीं लगता यार। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है इंडिया की सबसे फेवरेट कार, इंडिया वालों की मतलब खास तौर से जो हमारे पापा की उम्र के होते हैं अंकल लोग, उनकी सबसे फेवरेट कार वैगन आर है ना। कितने जो इस पे कैरिमिनाटी भाई ने भी जो बहुत सारा रोस्ट कर दिया है गाड़ी के ऊपर है ना। कहीं पे भी जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, भर लो सब सामान, भर लो पूरे परिवार भर लो, ये गाड़ी बुरा नहीं मानेगी। और टिपिकल ये गाड़ी है ही भी, जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है 2004 से, मतलब इन्होंने कैसा करे थे 2004 से, जो 2004 वाली वैगन आर है ना, उसके बाद से मतलब जो इन्होंने चेंज करे, मतलब क्या बढ़िया लगता है। 2004 के पहले भी वैगन आर थी लेकिन उसको उतना भाव नहीं मिला था। 2004 के बाद से आज तक ये जो हमारा सामने खड़ा है, ये 5th और 6th जनरेशन वैगन आर का वेरिएंट मॉडल खड़ा हुआ है। इतनी बढ़िया है, इंडिया की सबसे फेवरेट बताया ना अंकल लोग की, तो बिल्कुल फेवरेट कार है। अब जैसे इस प्राइस रेंज में आप जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वेयरएज अगर आप ऐसे, मतलब कई लोग हैं ना वैगन आर लिए फिर वो मजाक उड़ाते हैं टैक्सी ये वो ये करके, मतलब दोस्त भाई तो रहते हैं मजाक उड़ाने के लिए ही, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मजाक उड़ाने से बचना है आपको तो ऐसा है मेरा, 50,000 रुपये और डाल के ना स्विफ्ट ले लो चुपचाप, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ये ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। वैसे वैगन आर है, इसमें मतलब जो सामान वामान आप भर सकते हैं वो चीज़ आप स्विफ्ट में नहीं भर सकते। तो खैर, बैक टू द पॉइंट, ये हमारे वैगन आर का VXi वेरिएंट खड़ा हुआ है। VXi जो कि मारुति का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको कैसा हेलोजन वाले बल्ब हो गए, नीचे में हेलोजन में इंडिकेटर हो गए, इस तरीके से हमारी ग्रिल हो गई, बीच में सुजुकी का लोगो है और ये पतले पतले दो क्रोम चिपका दिए, बन गई ग्रिल। और नीचे में हमारे यहाँ पे कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो नहीं मिलते और ना ही हमको कोई फॉग लैंप मिलते हैं। ये वाला जो हमारा स्किड प्लेट लगी हुई है हमको सैटिन क्रोम वाली, सैटिन क्रोम में ऐसी लगी हुई है, ये अच्छी लग रही है। बीच में नंबर प्लेट, ये नीचे भी हमारा सैटिन क्रोम में ग्रिल आ जाती है। लुक्स के मामले में देखा जाए तो अभी वैगन आर को थोड़ा सा, मतलब लुक्स इसके पसंद नहीं आते कई लोगों को, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है नीचे में सैटिन क्रोम में जो इसकी स्किड प्लेट वगैरह लगाई है, ये अच्छी दिख रही है। और फॉग लैंप ऐसा है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो यहाँ हमको मिल जाते हैं इसके प्यारे टायर, जो कि 15 इंच के है, हाँ नहीं 14 इंच के आ रहे हैं ये, हाँ 14 इंच के है, जो कि ये अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं। ये एसेसरीज के पार्ट में मारुति से आप लगवा सकते हैं, कोई भी डीलर हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी डीलर से आप ये वाले सेम अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, चाहे आपके पास स्विफ्ट हो, सेलेरियो हो, वैगन आर हो, कोई भी हो। ये 15 इंच में, ये जो 14 इंच में ये जो आते हैं मुँह से, सॉरी 14 इंच, बार बार 15 इंच निकल रहा है, ये वाले आप लगवा सकते हैं। ऐसा अलॉय व्हील ज़्यादा मतलब आउट भी नहीं लगते, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। यहाँ हमको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, फेंडर पे भाई वैगन आ रहे, ठीक है, स्विफ्ट नहीं है, स्विफ्ट के VXi में आपको मिल जाता है वहाँ पे इंडिकेटर, इसमें नहीं मिलेगा। ये फेंडर पे इंडिकेटर होगा, ये हमारे को हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने वाले हमारे ORVMs हो गए, और इस तरफ में हमारे बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स हो गए, दोनों भी डोर हैंडल्स। ऊपर में हमको कोई भी ऐसी वो रूफ रेल्स नहीं मिलती है, ना ही शार्क फिन एंटीना है, इसमें हमको वही लंबे वायर वाले एंटीना है। पीछे में अगर आप आते हैं ये मिलता है स्कॉर्पियो N इसमें मतलब वो बड़े से हेलोजन वाले इतने बड़े हो गए, हेलोजन लाइट देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये पार्ट है, हेलोजन बल्ब है। और इस तरफ में बड़े से इंडिकेटर, बड़े से लाइट, रिवर्स लाइट, मतलब हर काम बड़ा बड़ा, हेडलाइट भी ये इतना बड़ा हेडलाइट, ये टेल लैंप ये इतनी बड़ी टेल लैंप। वैगन आर में तो हमेशा से ये बड़े बड़े हेडलाइट आती रहती है। खैर, यहाँ पे हमको कोई ना तो डिफॉगर है ना तो वाइपर है, और ये वाला आपको जरूर शोरूम की तरफ से ये मिल जाएगा आपको फुल। और बीच में सुजुकी का लोगो हो गया, यहाँ पे हमारा क्रोम हो गया, और जिसमें हमारा वैगन आर क्रोम में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी का बूट खोलते हैं, ये बूट खुला, इतना बड़ा हमको कुछ मिल जाता है बूट स्पेस। जैसे मैंने बताया इसमें आफ्टर मार्केट हम वो लगे हुए ना अलॉय व्हील्स, आफ्टर मार्केट मतलब शोरूम से ही लगवा सकते हैं आप बाहर से, और ये वाले इसमें नहीं तो हमको स्टील के रिम्स और ये वाले व्हील कैप मिलते हैं, ठीक है, थीके? और वैसे लग गया है। और नीचे में हमको एक स्टेपनी होंगी, एक मिनट लेट मी चेक, ओहो
ये ऐसे जो भी इसके ओनर है ना एसेसरीज के पार्ट में काफी काम कराए उन्होंने। देखिए ये डिक्की के मैट वगैरह भी लगवाए हैं, और ये हमको मिल जाता है एक हमारी स्टेपनी जो कि स्पेयर व्हील्स होता है जो कि अंदर में छुपा के रखा जाता है इसको। और नीचे यहाँ बूट में हमको कोई भी किस्म का कोई लाइट नहीं है, और ना तो कोई ऐसे टंगाने का हुक हैंगर कुछ भी नहीं है। एक पार्सल ट्रे आपको मिल जा रही है, VXI वेरिएंट है भाई, पार्सल ट्रे चलिए मिल गई, अच्छी बात है। अब गाड़ी के चलते हैं सेकंड डोर के तरफ में, मतलब रेयर पैसेंजर सीट। सेकंड रो में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे वही हमको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है, ब्लैक ऑल ब्लैक कलर में इंटीरियर है। ये वाले पार्ट में आपको चेंज है वेयर आज, आप स्विफ्ट लो, स्विफ्ट एर्टिगा ये वो सब में बलेनो फलेनो फ्रॉन्क्स वगैरह सब में एक वो अलग सा आता है। इनका डोर हैंडल्स थोड़े बड़े होते हैं क्रोम में, ये वाला जो है हमारा बिल्कुल छोटू सा है, छोटू से मतलब दो उंगली से ऐसे खोल लो, और सेटिंग क्रोम में है। और यहाँ पे हमको मतलब कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक, एक पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे हमारे बॉटल होल्डर आ गए, और इस गाड़ी में चार स्पीकर दिए हुए हैं। उस तरफ में स्टीरियो आप देखोगे, देखिए इस तरीके से प्यारा सा इसका इंटीरियर है, लेकिन प्यारे से इंटीरियर में हमको स्टीरियो के नाम पे एक ब्लूटूथ वाला नॉर्मल जो VXI में मिलता है ना, बस ब्लूटूथ वगैरह चलेगा, उसमें कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो लेग रूम की कोई कमी नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कि कैरेमिनाटी भाई जी ने बताया, अगर आपको वैगनआर का रिव्यू देखना है तो मेरी वीडियो नहीं, जल्दी से कैरेमिनाटी की वैगनआर की वीडियो देख लेना, ठीक है। खैर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखो ये हमारे इंटीरियर हो गए। लेग रूम के मामले में मैं बताऊँ, जैसे कि कैरेमिनाटी जी ने बोले लेग रूम की कोई कमी नहीं है, मतलब लेग रूम के स्पेस की कोई कमी नहीं है, कहीं भी जाना हो शादी ब्याह में पिकनिक में सबको भर लो, सबको दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी सबको भर लो, कोई ये गाड़ी बुरा नहीं मानेगी, ठीक है। यहाँ पे हमको वही सेम डोर हैंडल्स ऐसे ही है, ऊपर में हमको एक ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे कहीं पे भी हमको रूफ में कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक लाइट है सामने, और पीछे में यहाँ कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, पीछे में कुछ भी नहीं है गाड़ी में, ठीक है। और पीछे में मतलब एक फीचर यही है, एक स्पीकर मिल जाएगा, एक पावर विंडो मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड में, ये ड्राइवर साइड खुलेंगे। अब मैं गाड़ी ये गाड़ी का कंपैरिजन अगर मैं बता दूँ ना, इस गाड़ी के कंपेयर में कोई भी गाड़ी नहीं है, जिस हिसाब से इसका साइज वेट वगैरह जो कुछ है इस गाड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप स्विफ्ट है, स्विफ्ट के कंपेयर में i20 बलेनो और वो टाटा की ऑल्टोस टियागो सब क्या क्या आ जाती है, वेयर एज वैगन आर एक गाड़ी है जिसका आज तक कोई कंपनी ने इस गाड़ी का कॉम्पिटिटर नहीं बनाया, इसका मतलब कोई कम्पीट करता भी नहीं है। पीछे में देखिए वही हमारे हो गए चारों पावर विंडो के कंट्रोल हो गए, जो कि ये वाले हमारे ड्राइवर ऑटो अप डाउन है, और दरवाज़ा लॉक अनलॉक का लेफ्ट राइट ORVM को एडजस्ट करने का है, ठीक है। और इस तरफ में देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल भी हमको मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के, और सिग्नल में जो इंजन ऑटो ऑन ऑफ होते वो गए, एक हेडलाइट बीम्स के कंट्रोल हो गए, ये हमारे मिल गए AC के वेंट्स, ठीक है, जो कि ऐसे उंगली से गोल गोल घूमते हैं और ऐसे खुल जाते हैं, AC के वेंट्स हो गए। इस तरफ में देखिए ये VXI वेरियंट है, वैगन आर में ना पहले ZXI वेरिएंट नहीं आता था, सिर्फ LXI और VXI आता था, अब ऐसा हो गया वैगन आर में आपको LXI VXI और ZXI भी आएगा। तो ZXI में फीचर जो ऐड हुए, एक तो आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के लिए स्क्रीन मिल जाएंगी, सेकंड चीज़ जो ZXI वगैरह ZXI प्लस वगैरह में ऐड हुई है वो है हमारे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इसमें ये VXI है इसलिए हमको कोई स्टेयरिंग के कंट्रोल्स नहीं है, और ये वाला जो पार्ट है भाई इसको तो आप ना ही देखो, मतलब बंदा अगर 6-7 लाख रुपये आप खर्चा करेगा और इसको ये ऑल्टो की जैसी MID मिलेगी ना, तो मतलब वर्थ नहीं लगता यार, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। खैर वैगन आर तो ऐसा अभी भी धूम से वेटिंग है, धूम से बिक रही है, जो लोग ले रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, मैं मतलब जो ऐसा बोल रहा हूँ अपना पर्सनल, और जो लोग ले रहे हैं वो अपने अपने पर्सनल पर्पस से ले रहे हैं ना, MID वगैरह का खैर मैं अपना बता रहा था सिर्फ। इस तरफ में देखेंगे मुझे एक चीज़ जो सबसे बेकार लगती है, देखो ये AC के वेंट्स, ये AC के वेंट्स दिए कहाँ हैं भाई इन्होंने, AC के वेंट्स, एक तो रेयर AC वेंट्स नहीं है, पीछे तो हवा जाएगी नहीं, ये यहाँ AC के वेंट्स है, ठीक है, अंदर घुसा के रखे है, यहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ पूरी हवा ये हाथ पे फेंकता है, क्या हाथ पे भी नहीं उंगली पे आती है, इधर नाखून पे हवा आती है ऐसे, मतलब इधर घुसाया, मतलब जो वैगन आर के जो भी जिन्होंने इंजीनियर ने डिज़ाइन करे है, गाड़ी तो बहुत प्यारी डिज़ाइन करे, लेकिन ये एक मिस्टेक हो गई कि ये इतना इधर घुसा दिए कि भाई आप खुद सोचो ना, इतना इधर घुसाया भाई पीछे हवा कैसे जाएगी, पीछे क्या है यहाँ तो मेरे ही मुंह पे हवा नहीं आती, गाड़ी चलाओ तो ऐसे पूरा हवा हाथ पे फेंकता है, क्या है मतलब मेरे रिलेटिव की चलाया ना ये नई वाली वैगन आर, तो बता रहा हूँ वैसे। यहाँ पे हमको वही ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ हमारा ये नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्टीरियो हो गया, सिर्फ ब्लूटूथ मिलेगा, और इस तरफ में हैजार्ड लाइट्स, और ये हमारे प्यारे से मैनुअल AC हो गए। नीचे में एक फ़ोन रखने के लिए वही एक, और गियर जो है इसका कुछ ज़्यादा ही ऐसा ऊपर है, वो i10 वगैरह के जैसे यहाँ से चिपका दिया है गियर, यही वाले पैनल पे गियर यहाँ सबसे बेस्ट लगता है, यहाँ यहाँ जो गियर रहे और चलाओ तो वो ज़्यादा फील आता है, ये क्या डैशबोर्ड में लगा दिया है।
यहाँ पे हाँ ये हमारे हो गए नॉर्मल एक कप होल्डर हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और गाड़ी में कहीं पे भी ऑक्स वगैरह का इनपुट नहीं है। नहीं ये है वैगन आर, जैसे ये वैगन आर है, जैसे इसके पहले भी जो वैगन आर थी उसमें भी ये वाला आउटपुट दिया हुआ है। एक ऑक्स का हो गया, एक हमारे यूएसबी का हो गया और ये ढक्कन लग गया। ठीक है, पहले यहाँ सीडी का ज़माना पहले हुआ करता था, अब थोड़ी ये सीडी का ज़माना, कोई नहीं लगाता कैसेट सीडी। यहाँ पे हमारे एक ग्लव बॉक्स हो गए, छोटे से ग्लव बॉक्स, एक रेयर एसी के बैंड थी। यहाँ ये एसी के बैंड भी देखिए कितने इधर दिया है इन्होंने, इधर देखे हवा जा कहाँ आ रही है, इसको आ रही है ना, यानी ये वाला दोनों उसी को आएगा, पीछे कहाँ से जाएगा, ये इसके भरोसे जाएगी पीछे हवा, यहाँ से ऐसे चीरते हुए ऐसे पिलर के बाजू से शायद पीछे जाए। खैर कूलिंग वगैरह अच्छी रहती है मारुति की, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल्टो वगैरह में भी देख लो एक नंबर कूलिंग मिलती है। यहाँ पे हमको कोई वैनिटी मिरर नहीं है, एक टिकट होल्डर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे हेलोजन लैंप्स, यहाँ पे एक वैनिटी मिरर हुआ आ गया, और यहाँ पे एक पकड़ने का ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे ड्राइवर साइड हमको कोई हैंडल नहीं है, ये कोई स्कॉर्पियो वैसे है भी नहीं कि हमको कहीं ऐसे ग्रैब हैंडल रहेगा पकड़ने का। तो फिलहाल इसमें जैसे कीलेस एंट्री वगैरह भी नहीं है, BXi वेरियंट है। यहाँ पे हमारा चाबी डालने का नॉर्मल हो जाएगा और 5 गियर का नॉर्मल हमारा इसमें सिस्टम आ रहा है। और यहाँ पे हमको कोई आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं है, आर्मरेस्ट आप एसेसरीज के पार्ट में आफ्टर मार्केट आप बेशक लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था भाई अपना वैगन आर का रिव्यू। बस वैगन आर इन शॉर्ट एक ही बात बोलूँगा, वैगन आर बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वैगन आर की, वो है इसके एसी के वेंट्स कहाँ दिए। देखो ना मैं खुद ये गाड़ी चला रहा हूँ, ये एसी के वेंट्स, ठीक है मैं यहाँ से बैठा हूँ, एसी के वेंट्स कहाँ है देखो, यहाँ पे इधर आ रही है, मतलब पीछे वगैरह नहीं जाती और ड्राइवर के बस हाथ और उंगली पे ही मारती है, इधर नाखून पे हवा आती है। सिर्फ गाड़ी चलाते रहो तुम्हारे नाखून पे हवा आती रहेगी बस यही बात है, बस यही एक चीज़ है मतलब जो डिसअपॉइंट करती है। और रही बात इसको जो लोग टैक्सी बोलते हैं ना, तो भैया ठीक है हम बोलना उनको 50,000 और डाल के वो स्विफ्ट ले लेंगे, ठीक है हाँ, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना बोलना टैक्सी का। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।